देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बता दें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद धीमौर ने अखिलेश को दिया जवाब, अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद धीमौर का पलटवार, एसपी को पिछड़े वर्ग का उप मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं, अखिलेश मेरे प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, सैफई परिवार अपमानजनक भाषा उपयोग करता है, निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण मिलना तय है, समाजवादी पार्टी का सफाय होना तय। तो बड़ा हमला डिप्टी सीएम केशव प्रसाद धीमौर की तरफ से अखिलेश यादव पर बोला गया है, एसपी को पिछड़े वर्ग का उप मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं है, निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण मिलना तय है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद धीमौर की तरफ से ये बड़ा हमला बोला गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद धीमौर ने समाजवादी पार्टी की संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों की विरोधी पार्टी है, वो पिछड़ों के नाम पर राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी पिछड़ों की विरोधी पार्टी है, उसे पिछड़ों का दर्द नहीं है, वह पिछड़े के नाम पर राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित कराने के बाद ही नगर निकाय का चुनाव कराएगी, यह स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी मैं स्वयं कह चुका हूं। पार्टी और सरकार दोनों इस पक्ष में हैं, सरकार इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रही है, जो माननीय न्यायालय के आदेश हुए हैं। इसे समाजवादी पार्टी को जो स्वयं जाति विशेष की राजनीति करती है, जिसका चरित्र सत्ता में रहते हुए विपक्ष में रहते हुए पूरे प्रदेश ने देखा है, बच्चा बच्चा उससे अवगत है, तो ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी को इसके बदले कुछ नहीं हासिल होगा। संविधान भी सुरक्षित रहेगा, आरक्षण भी सुरक्षित रहेगा और उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव होगा। लखनऊ से बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण विवाद पर एसपी का नया दांव, आरक्षण के मुद्दे को गांव गांव पहुंचाएगी समाजवादी पार्टी, बड़े आंदोलन की तैयारी में है समाजवादी पार्टी, निकाय चुनाव में आरक्षण के मसले पर राजनीति तेज हो गई है, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरने की तैयारी की है, अखिलेश यादव कर सकते हैं आंदोलन का ऐलान और ओबीसी आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव से पहले। तो समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में आरक्षण के मसले पर राजनीति तेज हो गई है, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरने की तैयारी कर ली है और अखिलेश यादव एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। तो आरक्षण के मुद्दे को गांव गांव तक पहुंचाएगी समाजवादी पार्टी, एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है समाजवादी पार्टी की तरफ से, बड़े आंदोलन की तैयारी में है। एक और बड़ी खबर, घरेलू निवेशकों को साधने की तैयारी में योगी सरकार, 5 से 23 जनवरी तक देश के 7 शहरों में रोड शो होगा, मुंबई में भारतीय उद्योग जगत को आमंत्रण देंगे सीएम योगी और 5 जनवरी को यूपी के लिए आमंत्रण देंगे सीएम योगी, बड़े कारोबारियों के साथ फिल्मी हस्तियों से भी मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे, टाटा रिलायंस महिंद्रा गोदरेज बिरला के साथ उनकी मुलाकात होगी, इसके अलावा दिल्ली मुंबई बेंगलोर चेन्नई में यूपी का इन्वेस्टर शो का रोड शो भी होगा और कोलकाता अहमदाबाद के अलावा हैदराबाद में भी इन्वेस्टर्स रोड शो होगा। घरेलू दौरों के लिए टीम गठित की गई है, 10 से 12 फरवरी को प्रस्तावित है यूपी जीआईएस। विकास के दौर में यूपी को अव्वल बनाने के लिए टीम योगी एक्शन में, दुनिया के 16 देशों से 7,02,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश जुटाने के बाद अब टीम योगी का फोकस घरेलू निवेशकों की ओर, घरेलू निवेशकों को साधने के लिए यूपी के मंत्रियों का ग्रुप देश के 7 बड़े शहरों में रोड शो करने जा रहा है। सीएम योगी खुद मुंबई में बड़े उद्योग समूहों से भेंट कर उन्हें यूपी में निवेश करने का आमंत्रण देंगे, जबकि दूसरे 6 शहरों के लिए अलग अलग टीम बनाई गई। इस टीम में कैबिनेट मंत्रियों के अलावा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और दूसरे राज्य मंत्री भी शामिल किए गए। मंत्रियों के सहयोग के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का दल इन दौरों पर साथ होगा। जनवरी को मुंबई रोड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भाग लेंगे। यहाँ टाटा समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा, गोदरेज, आदित्य बिरला समूह, बॉम्बे डाइंग, ब्रिटानिया, जेएसडब्ल्यू ग्रुप और एशियन पेंट समूह के अलावा बैंकिंग सेक्टर और फिल्म जगत की हस्तियों से मुख्यमंत्री की भेंट हो सकती है, जबकि अन्य दौरों में अडानी ग्रुप, हिताची, हीरा नंदानी ग्रुप,
नेस्ले, कोका कोला, मारुति सुजुकी, अशोका लेलैंड, गोयनका ग्रुप, ओसवाल इंडस्ट्रीज जैसे बड़े औद्योगिक समूह कंपनियों से भी बातचीत हो सकती है। घरेलू निवेशकों को लुभाने के लिए कार्यक्रम तय कर दिए गए। 5 जनवरी 2023 को मुंबई में रोड शो होगा। इस टीम में सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे, औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी और स्वतंत्र प्रभार मंत्री रविंद्र जायसवाल भी शामिल होंगे। वहीं 9 जनवरी 2023 को चेन्नई में रोड शो होगा। यहाँ निवेशकों से भेंट करने वाली टीम में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, स्वतंत्र प्रभार मंत्री असीम अरुण और नितिन अग्रवाल शामिल होंगे। वहीं 13 जनवरी 2023 में नई दिल्ली में रोड शो होगा, जिसमें औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और नगरीय विकास विभाग के मंत्री एके शर्मा, स्वतंत्र प्रभार मंत्री संदीप सिंह दिल्ली में उद्योग जगत से भेंट कर निवेश का आमंत्रण देंगे। 16 जनवरी 2023 को कोलकाता में रोड शो किया जाएगा, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी, स्वतंत्र प्रभार मंत्री दयाशंकर सिंह और राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल शामिल होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, तो दुनिया के लोग भी और देश के लोग भी जो निवेश करने में सक्षम है, उनको सबको आमंत्रित करना है और उससे बड़े पैमाने पर निवेश और बड़े पैमाने पर रोजगार। 18 जनवरी 2023 को हैदराबाद में रोड शो होगा और इस रोड शो में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्राविधिक शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और स्वतंत्र प्रभार मंत्री अरुण सक्सेना शामिल होंगे। वहीं 20 जनवरी 2023 को अहमदाबाद में रोड शो किया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में पीडब्ल्यू विभाग के मंत्री जितेंद्र प्रसाद, कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही, स्वतंत्र प्रभार मंत्री जयंत प्रताप और राज्य मंत्री जसवंत सैनी शामिल होंगे। 23 जनवरी 2023 को बेंगलुरु में रोड शो होगा। बेंगलुरु में निवेशकों को आमंत्रण देने जा रही टीम में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और स्वतंत्र प्रभार मंत्री असीम अरुण शामिल रहेंगे। 10 से 12 फरवरी को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट प्रस्तावित है, लिहाजा टीम योगी इसकी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में यूपी को उत्तम से सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की रणनीति योगी मॉडल को नया आयाम देगी। लखनऊ से न्यूज़ स्टेट के लिए अविनाश सिंह की रिपोर्ट।